तुम इतना मेकअप क्यों कर रही हो? थोड़ी देर में तो बिगड़ने ही वाला है। क्यों? सुहागरात को कुछ बिगड़ता है तो ही कुछ बनता है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुने तुम्हारा मतलब हम इतनी दूर सोने आए? नहीं आए तो क्या करने आए हैं? तुम्हें हर चीज पता नहीं क्यों पड़ती है? तुम बचपन से ही ऐसी हो। अब सुनो, जो आधी दुनिया ओ गॉड, सास का जासूस। क्या है बे, क्या है? क्या हुआ? इधर इधर इधर। अबे हुआ क्या, बात क्या है? हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। अरे ये तो हैप्पी न्यूज है, मतलब डीडीटी मामा की खटिया खड़ी। फिनिश, लकी डे, लेट्स गो। सैड न्यूज, माजी की कार का एक्सीडेंट हो गया। कैसी है वो? ठीक तो है ना? मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे रो मत बीबी से, शांत हो जा। अब बता, एक्सीडेंट हुआ कैसे? सैड न्यूज, अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे भाई कोई मरा वरा तो नहीं? अपने मुंह से कैसे कहूँ? किसी की हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे अपने मुंह से नहीं तो फिर कहाँ से कहेगा? सैड न्यूज, ये बेचारा ऐसी सैड न्यूज लाया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो जल्दी से सामान बांधो। आप ठीक तो है ना? हमने तो सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। काली मैया का लाख लाख शुक्र है सासू जी कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना एक्सीडेंट में तो हाथ पैर टूटने के चांसेस होते हैं, है कि नहीं सासू जी? कार तो बहुत बुरी तरह टूट फूट गई, लेकिन भगवान की दया से मैं बच गई। मैंने बहुत मना किया था कि बेचारे हनीमून पर गए हैं, उन्हें मत भुलाओ, लेकिन भैया नहीं माने। तुम लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करो, जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसने हमारी खुशी पर लात मारी है। अच्छा होगा सीधे सीधे जिसने किया वो कबूल कर ले, वरना ऐसे लोगों के लिए मेरे पास गालियों का भंडार है। शुरू करूं तुम्हारे तो हमें रात को सुनाई नहीं देता। अच्छा तो मैं सुबह दे दूंगा। जमाए राजा, देख लिया, मैं अपनी बेटी को तुमसे अलग रखने में और तुम्हारी सुहाग रात रोकने में कैसे कामयाब हो गई? ये दुर्गेश्वरी देवी का दिमाग है, कैसी रही? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। लेकिन सासू जी, आपको मेरे दिमाग की भी दाद देनी चाहिए। मुहूर्त बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने रेल के डिब्बे में ही सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? सुहाग रात। सैड न्यूज़। सासू जी, इतने अच्छे मुहूर्त को मैं कैसे बेकार जाने देता? आखिर जमाई राजा आप ही का हूं। ये कैसी रही मामा जी? जी मैं अपनी दूसरी सुहाग रात यही मनाऊंगा, वरना मेरी सासू जी को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने फूलों के ऑर्डर पहले ही दे दिए थे। जरा जाकर देखिए फूल आए कि नहीं। आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम दोनों के इस तरह मेरे सामने खड़े होते हुए शर्म नहीं आती? अब मैडम, उन्होंने रेल के डब्बे में ही छटाके फटाके कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? छटाके फटाके? तुम्हें पूरी ट्रेन खरीद कर उन्हें रोक देना चाहिए था। मैडम टिकट के पैसे तो थे नहीं, रेल का डब्बा कैसे? शट अप। फूल, केला फूल, बर्फी फूल, संतरा फूल, बलड़ी फूल, नून के साथ था, तूने उनको क्यों नहीं रोका? बॉस अभी जाके रोक लूं। अभी रोकेगा तो तेरे साथ छटाके फटाके हो जाएगा। इससे पहले कि पहाड़ टूट पड़े या भूकंप आ जाए, हमें जल्दी से यह सुहागरातवाद बना के काम खत्म कर देना चाहिए। Come on, baby. इतनी भी जल्दी क्या है? ये रात तो जिंदगी में एक बार आती है, और फिर हम सुहागरात मना रहे हैं, कोई बस थोड़ी पकड़ रहे हैं। सुहागरात को लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, और एक तुम हो के जल्दी करो जल्दी। I'm sorry, I'm sorry, रेखा, I'm sorry. रेखा रेखा, मैं तुम्हें इतने प्यार से रेखा रेखा किए जा रहा हूँ और तुम मुझे म्याओ म्याओ किए जा रही हो? प्यार से राजा नहीं कह सकती मैंने? तुम ही तो कब से रेखा म्याओ किए जा रहे हो। क्या देखा? ओह माय गॉड, सासू जी आप क्या क्या कर रही हैं? खबरदार, अगर मेरी मम्मी को बिल्ली कहा तो।
ओ छोड़ो बेचारी बिल्ली को यार, चलो अपना काम करते हैं। कम ऑन, मुझे शर्म आएगी ना। तुम्हारा तुम्हारा मतलब ये बिल्ली जाके सबको बता देगी कि इसने क्या क्या देखा। ऐसा करते हैं, इस बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। म्याओ म्याओ म्याओ। अब क्या करें? वही जो आधी दुनिया आधी रात को बाकी आधी दुनिया के साथ करती है। सासू जी, मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है, सारी रात में सो नहीं पाया, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया। अच्छा, फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हो। अब क्या बताएं सासू जी, रात ही कुछ ऐसी थी, रेखा भी सो नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ उसे? वही जो ट्रेन में नहीं हुआ था। क्या मतलब? सुहागरात। हाँ सासू जी, मैंने आपसे कहा था कि हमने ट्रेन में सुहागरात मनाई थी, वो मैंने बंडल मारा था। हाँ सासू जी, आपके प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ हलवा और दूध बादाम, आपके इतने प्यार से दिए हुए रेशमी जोड़े, आपका वो खानदानी पलंग, ये सब छोड़कर मैं किसी घटिया होटल में या किसी खड़खड़ी ट्रेन में सुहागरात मनाता तो आपको कितना बुरा लगता? ये पाप मैं हरगिज नहीं कर सकता। कल रात जो हुई वही असली सुहागरात थी। आपको भरोसा नहीं है तो पलंग की हालत जाकर देख लीजिए, आपकी कसम। रेखा, ओ रेखा, अरे नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं? तुम लोगों ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि वो सुहागरात नहीं मना पाएगा, लेकिन उसने जैसा चाहा वही हुआ। अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना तो वो जीत जाएगा, और जो करने की धमकी दी है वही करेगा। दीदी, मैं खाता मुंह से हूं लेकिन सोचता दिमाग से हूं। अब तो रेखा के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने का बस एक ही तरीका है, उसे घर से भगाया जा सकता है, उसे जेल भिजवा दो। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में या नासिक जेल में, आगरा जेल में या सेंट्रल जेल में? मेरे बॉस की सब जेलों में जान पहचान है। वो तो है, तू चुपचाप खाना खा। सिस्टर देखो, अगर किसी तरह हम उसे पुलिस के चंगुल में फंसा दें और उसे 6 महीने साल की सजा हो जाए तो रेखा का दिल उसकी तरफ से बेजार हो जाएगा, वो उसे भूल जाएगी, बस फिर क्या, तलाक और दूसरी शादी। मगर हम उसे किस जुर्म में जेल भिजवाएंगे? वो मैं बताता हूँ। चिंता मत करो आप, मेरा बॉस इस मामले में बहुत क्लेवर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। अरे शट अप ब्लडी फूल। थैंक यू दीदी। अरे कहाँ मेरा भांजा, 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 ये है मेरा भांजा। अरे, इसके लिए इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बेचारा नन्ना मुन्ना है। अरे माँ कैसी बात करती हो तुम, जिसकी दादी एक करोड़पति हो उसके पास कम से कम इतने खिलौने तो होने चाहिए, है कि नहीं? देख भांजे, अपने बाप जैसा डरपोक मत बनना, बल्कि अपनी दादी अम्मा पे जाना, हम तुझे उसके सर पर बिठा देंगे। अरे 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 अरे, मेरे ऊपर नहीं, अरे मेरे ऊपर नहीं, अपनी दादी माँ के सर पर पेशाब करना ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और उसका गुरूर नीचे उतरे। देखो माँ, देखो माँ, हाँ बोल रहे, हाँ बोल रहे माँ। रेखा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना मम्मी। वो जमाई राजा कहाँ है? सुनते हैं, मम्मी बुला रही है। अरे सासू जी आप, सॉरी। रेखा बेटी, अगर मैंने अपने हाथ से तेरी शादी की होती तो तुझे 45 लाख दहेज में दिया होता, मगर तुम दोनों ने चुपके चुपके शादी करके मुझे इस खुशी से महरूम कर दिया। लेकिन फिर भी मैं माँ हूं, तुम लोग अपना फर्ज भूल सकते हो लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती हूँ? आप सच कहती हैं सासू जी, जब तक सास है तब तक आस है, ये दुनिया आप जैसी सासुओं पर तो टिकी हुई है। इसलिए तो मैंने सोचा आज अच्छा दिन है, ये 45 लाख रुपये मैं तुम्हें दे दूँ, कभी ना कभी तो देने ही थे। देखा मम्मी हम दोनों को कितना प्यार करती है। बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। जब इनके ब्रीफकेस में इतनी जगह है तो इनके दिल में कितनी होगी। मगर मम्मी हम इन पैसों का करेंगे क्या?
हम तो यहीं रहते हैं, यहाँ जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें इन्हें तो पैसों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये दूसरों जैसे नहीं है माँ। जानती हूँ जानती हूँ, मुझे अपने जमाए राजा की खूबियों का अच्छी तरह पता है। ये रुपये मैंने अलग से निकाल के तेरे लिए ही रखे थे, इन्हें रख ले बेटी, शायद कभी काम आ जाए। तू रख लेगी तो मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? माँ बाप का बोझ हल्का करना उनकी संतानों का पहला कर्तव्य, ले लो। जमाई राजा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा जमाई राजा सबको मिले, इसे संभाल कर रखना बेटी। हाँ मम्मी। एक मिनट सासू जी, वन मिनट, अपने पांव तो छू लेने दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए सासू जी। इसी तरह बीवी की सेवा करते रहोगे तो खुश रहोगे। थैंक्स। इसे रख दो। नहीं बाबा, इसे तुम ही रखो। रख दो ना। तुम्हारी मर्जी।